फैक्टर और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रह चुके म्यांग चैंग को कभी जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी। इंडियन आइडल 3 से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। म्यांग रियलिटी शोज के अलावा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 38 साल के हो चुके म्यांग का जन्म 6 अक्टूबर 1982 को झारखंड के धनबाद में हुआ था। म्यांग चैंग ने अपनी पढ़ाई धनबाद, देहरादून, मसूरी और बेंगलुरु से की है। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के वीएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से साल 2005 में डेंटिस्ट की डिग्री ली। म्यांग ने भले ही डेंटिस्ट की डिग्री ले ली, लेकिन उनका दिल गायकी में बसता था। उन्होंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया और फिर उसके बाद रास्ते बनते चले गए। म्यांग चैंग बतौर प्रतिभागी इंडियन आइडल सीजन 3 में नजर आए थे। वो इस शो में टॉप 5 फाइनलिस्ट बनने के बाद शो से बाहर हो गए थे। भले ही उन्होंने शो नहीं जीता, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता था। इसके बाद वो इंडियन आइडल सीजन 4 में बतौर होस्ट नजर आए। इसके बाद म्यांग दक्षिण अफ्रीका में खेली गई आईपीएल 2 को भी होस्ट करते नजर आए थे। टीवी के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। साल 2010 में यशराज मूवी की बदमाश कंपनी में वो शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा के साथ नजर आए। सलमान की फिल्म सुल्तान में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने कई वीडियोस में काम किया है जो काफी हिट रहे हैं। म्यांग चैंग ने मार्च 2011 में झलक दिखला जा 4 में हिस्सा लिया था। शो में उन्होंने शानदार डांस किया था और खिताब जीतकर इस बात का डंका पीट दिया कि छोटे शहर में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। म्यांग के पूर्वज 18वीं शताब्दी में चीन से भारत आकर झारखंड में बस गए थे। उनके पूर्वज चीन के हुबई में रहते थे। उनके दादा दादी चीन से आकर झारखंड में बसे थे और म्यांग तीसरी पीढ़ी है। म्यांग की कई पीढ़ियां यहां रह चुकी हैं, लेकिन आज भी इनके साथ भेदभाव होता है। बीते दिनों म्यांग कोरोना वायरस के चलते नस्ल भेदी के शिकार हुए थे। इसको लेकर म्यांग चैंग ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, My name is Chang, I am not a terrorist. Namaste, my name is Chang and I am not coronavirus. म्यांग जब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तब बाइक पर सवार दो युवक उन्हें कोरोना वायरस कहकर भाग गए थे। म्यांग के दिल को उससे ठेस पहुंची थी। सालों से वो भारत को अपना देश मानते हैं, लेकिन आज भी उन्हें चाइनीज समझा जाता है। म्यांग को पसंद करने वालों की भी कमी नहीं। जब भी उन्होंने रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला। म्यांग चैंग ने फिल्मों के साथ साथ रियलिटी शोज भी किए हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम बॉलीवुड सिंगर मोनाली ठाकुर के साथ जुड़ चुका है। खबरें ये थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। इन दिनों म्यांग पर्दे से दूर हैं। सोशल मीडिया पर ट्रैवलिंग को लेकर कई तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।